वेलकम बैक टू द स्पार्कलिंग टैलेंट। तो गाइस आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ हाउ टू मेक टी। तो गाइस ये जो बुक है मैंने इसके अंदर मैंने इंस्ट्रक्शंस लिख लिए हैं, चलिए मैं हम इसे पहले पढ़ेंगे उसके बाद फिर हम टी बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो हाउ टू मेक टी यानी कि चाय, हिंदी में लोग चाय बोलते हैं, तो चाय बनाना है, कैसे चाय बनाने का ये मैंने आज दिखाऊँगी इस वीडियो में। और ये एक कप के लिए है लेकिन आप आपके हिसाब से क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं गाइस। और गाइस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप गाइस प्लीज़ प्लीज़ आप एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, प्लीज़ आप यू नो क्या इसको एंड तक देख लीजिएगा, क्योंकि ताकि आप कोई पार्ट्स मिस ना कर दें और ये वीडियो आप आपकी चाय बिल्कुल अच्छे से बन जाए। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलिए हम इस बुक को पढ़ते हैं एंड हमारी चाय बनाना शुरू करते हैं। तो गाइस आज आप देख सकते हैं यहाँ पे हाउ टू मेक टी लिखा गया है और मैंने यहाँ पे चाय भी लिखा है ताकि लोगों को समझ में आए कि टी यानी कि चाय होता है। तो मैंने यहाँ पे 1 कप दिया गया है ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो जाए, 1 कप के लिए ये क्वान्टिटीज़ होती हैं, तो 1 कप के लिए ये क्वान्टिटीज़ दी गई होती है। तो गाइस ये क्वांटिटीज़ 1 कप के लिए हैं। तो चलिए गाइस हम हमारे टी को स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको ये बुक में जो दिया है वो हमको रीड करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम इसको वापस रीड कर करके करेंगे, क्योंकि एक बार पूरा रीड कर लेंगे। इसके लिए टोटल 9 स्टेप्स हैं इसके टी के। तो सबसे पहला है स्टेप, यू हैव टू टेक अ पैन, उसके बाद आपको तो पता ही है आपको जिसमें भी बनाना आप बना सकते हैं। तो पहला आपको एक बर्तन लेना है। तो गाइस ये तो आपको पता ही है ना, पहला स्टेप है टी बनाने का, पुट वाटर यानी कि पानी डालो। तो पुट वाटर यानी कि पानी डालो। तो यहाँ पे हाफ़ कप दिया गया है, हाफ़ कप मतलब एक पूरे कप का आधा हिस्सा, आधे हिस्से में हमको पानी भर के डाल देना है आपके बर्तन में। उसके बाद सेकंड स्टेप है, लेट द वाटर बॉयल फॉर 3 मिनट्स। तो गाइज यहाँ दिया गया लेट द वाटर बॉयल फॉर 3 मिनट्स। तो गाइज यहाँ पे हमें अभी इसको बॉयल करने के लिए छोड़ देना है 3 मिनट के लिए। फिर गाइज देखते हैं थर्ड स्टेप क्या है, देन ऐड 1 स्पून टी लीव्स। तो हमको 1 स्पून टी लीव्स ऐड करने हैं हमको चाय के अंदर। टी लीव्स मैं आपको दिखा दूंगी बाद में, क्योंकि हो सकता है आपको टी लीव्स समझ में ना आए, मैं आपको दिखा दूंगी बाद में जब हम बना रहे होंगे। तो ऐड 1 स्पून टी लीव्स, तो हमको 1 स्पून टी लीव्स ऐड करना है आपके बर्तन के अंदर। फिर फोर्थ स्टेप है, ऐड 1 स्पून शुगर। आपको एक पूरा भरा हुआ स्पून ऑफ शुगर लेना है और ऐड कर देना है चाय के अंदर। 1 कप के हिसाब से आपको पूरा ओनली 1 स्पून लेना है और आपको ऐड कर देना है चाय के अंदर, पूरा फुल होना चाहिए मस्त। तो देन देखते हैं फिफ्थ स्टेप क्या है, लेट इट बॉयल फॉर 2 मिनट्स। तो मतलब हम इसे बॉयल होने के लिए रख देना है फॉर 2 मिनट्स, मतलब टू मिनट के लिए हमको इसको बॉयल होने के लिए रख देना है गाइस। उसके बाद फिर सिक्स स्टेप है, देन ऐड 3/4 कप ऑफ मिल्क। 3/4 का मतलब शायद आप समझ ना पाए, 3/4 का मतलब है एक पूरे कप का 3 हिस्से, वैसे पूरे कप में 4 हिस्से होते हैं, मिला के सबके 4 हिस्से होते हैं कप में, पर हमको सिर्फ 3 हिस्से डालने हैं, 1, 2, 3, तो ये हमें करना है। उसके बाद हमें 3 हिस्से ऑफ वाटर डालना है। उसके बाद हमें 3 हिस्सा ऑफ मिल्क डालना है, मिल्क डालना है हमको 3/4 कप ऑफ मिल्क डालना है। उसके बाद 7th स्टेप है, देन क्लोज द गैस आफ्टर 2 मिनट्स। 2 मिनट्स के लिए देन हमें उसको बॉयल होने देना है। देन आपको आपने 1/3 मिल्क डाल दिया, 3/4 कप ऑफ मिल्क डाल दिया, उसके बाद देन आपको क्लोज कर गैस देन 2 मिनट्स आपको रुक लेना है। उसके बाद फिर आपको गैस क्लोज कर लेनी है गाइस, क्योंकि देन आपको दिखेगा कि कलर आना शुरू हो गया धीरे धीरे टी का। तो देन 8th स्टेप है, योर टी इज़ रेडी।
देन नाइन्थ स्टेप है पोर इट इन योर कप्स। तो मतलब कप्स, तो मतलब कप्स तो प्लूरल होगा बट मेरे को सिंगुलर करना है तो कप होगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर कप लिखा हुआ है क्योंकि मैंने सिर्फ वन कप बना रही हूँ मैं टी की, तो कप्स नहीं बोले, वन कप्स नहीं बोलेंगे, वन कप बोलेंगे। तो ये मैंने लिखा हुआ है आपके लिए लिखा हुआ है क्योंकि अगर आप टू थ्री फोर ऐसे बना रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो आपके साथ थोड़ी सी पढ़ाई भी हो जाएगी साथ साथ में। तो यहाँ पे मैंने सिंगुलर की जगह प्लूरल लिखा है आपके लिए, तो सिंगुलर प्लूरल। तो गाइस चलिए अभी हमने इंस्ट्रक्शंस एक बार पढ़ लिए हैं, मैंने जो लिखे थे ये हमने पढ़ लिए हैं। अभी हम चलते हैं हमारी टी बनाने के लिए क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट हो गया हमारे पढ़ के। तो चलिए अभी हम सीधा पहुंचते हैं टी पर और मैं आपको बहुत अच्छी चाय बनाना सिखाती हूँ, साथ के साथ आप लोगों को थोड़ा इन्जॉयमेंट भी हो जाएगा और थोड़ा लर्निंग भी हो जाएगा मेरे साथ। तो चलिए हम विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हमारे टी की वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। तो गाइस मैं मेरी ये बुक लेके किचन तक पहुंच गई हूँ ताकि मैं इसे देखकर बना सकूँ, और मैं आप लोगों को बार बार नहीं दिखाऊंगी क्योंकि दिन वीडियो बहुत हिलेगा और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैं आप लोगों के, तो गाइस सबसे पहले मैंने गैस पे रख दिया ये पैन। अब गाइस हमको, तो गाइस अभी हमें लेना है वन, हमें हाफ कप लेना है पानी का। तो गाइस अभी हमको हमें इसके अंदर, अभी हमें इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देना है गाइस, हमें हाफ कप पानी डाल देना है। तो ये रहा पानी, गाइस मैंने हाफ कप इसके अंदर पानी भी ले लिया है। तो मैंने हाफ कप पानी डाल लिया गाइस इसके अंदर। तो गाइस अभी मुझे इसको गैस ऑन कर लेनी है मुझे। तो गाइस अभी हमें ऑन करना है, लाइट कर देना है, देखिए लाइट हो गया है। तो अभी लाइट हो गया है और हमें इसको थोड़ा सा गैस का इसका टेम्परेचर कर लेंगे हम। तो अभी गाइस हमें इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना है, ये देखिए मेरे पास पानी है तो मैं इसे डालूँगी, आधा कप हमने लिया हुआ है पानी का, अभी हमें इसे डालना है पानी अंदर। गाइस मैंने आधा कप पानी डाल दिया है देखिए। तो गाइस अभी अभी हम लोगों को, तो गाइस हमें अभी वाटर को बॉईल होने देना है फॉर 3 मिनट्स, हमें इसे बॉईल होने देना है, ठीक है गाइस, ओके हमें इसे बॉईल होने देना है फॉर 3 मिनट्स। तो हमें इसका इंतज़ार करना पड़ेगा, तो वाटर को बॉईल होने देना है हमें इसे 3 मिनट्स के लिए, आफ्टर 3 मिनट। तो गाइज ऐसा आप देख सकते हैं ये बॉयल हो रहा है। तो गाइज ये बॉयल हो गया है आप देख सकते हैं, अभी हमें थोड़ा सा, तो गाइज अभी हमें टी चाय पत्ती लेनी है यानी कि टी लीव्स, हमें इसको, हमें टी लीव्स को, गाइज हमें टी लीव्स 1 स्पून लेना है। ये ठीक है, अभी हमें इसे इसके अंदर डाल देना है। तो गाइज अभी हमें इसके अंदर शुगर डालनी है, गाइज हमें 1 स्पून शुगर डालनी है। देखिए गाइज 1 स्पून शुगर मैंने डाल दी है और आप देख सकते हैं टी बन रही है धीरे धीरे। देखिए इसे हमें उठा के एक बार शेक कर देना है फिर रख देना है। आप देख सकते हैं उसका थोड़ा सा रेड कलर आ गया है, मतलब रेडिश आ गया है थोड़ा सा। तो गाइस गाइस अभी हमें थोड़ा, हमें इसके अंदर मिल्क डाल देना है। इसका कलर आ रहा है सब देख सकते हैं, देखिए हमें इसको वापस उठा के एक बार शेक करना है, इसका कलर अराइव हो गया है एकदम मस्त देख सकते हैं आप। इसके अंदर थोड़ी सी अभी भी चाय पत्ती गूंज रही है देख सकते हैं आप।
आपको दिख रहा है धीरे धीरे बन रही है गाइस, मतलब टी का कलर सेम आ गया है, जैसा टी का कलर होना चाहिए वैसा सेम कलर आ गया है, मतलब ये बन गई है टी। अब हमें गैस ऑफ कर देनी है गाइस। गाइस ये रहो, तो गाइस मैंने इसको ऑफ कर दिया है, अभी हमें इसे उठा के वापस शेक करना है। गाइस तो मैंने कप इसको अभी छलनी लेनी है, हमें इसके ऊपर डाल देना है, इसके ऊपर से हमें चाय डालनी है। देखिए इसकी जो है ना टी लीव्स वो रह जाएंगे। गाइस देख ही सकते हैं हमारी इतनी यम्मी डिलीशियस चाय बन गई है, आज रेडी हो गई है, मस्त है ना। तो मैंने आज आपको चाय बनाना सिखा दिया गाइस, आज की मुझे भी बहुत अच्छा लगती है चाय, आपको पसंद है? अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ टेल इन द कमेंट्स। इंटिल देन बाय गाइस, इफ़ यू लाइक दिस रेसिपी देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द स्पार्कलिंग टैलेंट। बाय गाइस, कीप वॉचिंग द स्पार्कलिंग टैलेंट वीडियोज, बाय। तो गाइज आपके साथ आपको ये यम्मी डिलीशियस चाय के साथ आपको जो भी चाहिए आप खा सकते हो, मुझे ये बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, यानी कि देखिए खाती हूँ मैं इसे, मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली में। अगर आप पूछोगे कि आप इसके फ़ैन हो तो बिल्कुल हूँ मैं, येस आई एम द फैन ऑफ इट, मुझे बहुत पसंद है। मैंने खा लिया गाइज, बहुत टेस्टी है, और आपको जो भी अपने नाश्ते वास्ते पसंद है चाय के साथ आप खा सकते हो, पी सकते हो, मतलब आपकी चाय एकदम रेडी हो गई है। देखिए गाइस, तो मतलब ये देखिए आप, इसका परफेक्ट कलर आ गया है जिसका ऐसा आना चाहिए। एंड लास्ट टच गाइस, आपको मिक्स कर लेना है आपकी चाय को, ताकि जो इस कलर इसका रियल कलर आ जाए बाहर। का फैन है मैं हूँ। तो गाइज ये मैंने आज आप इस वीडियो में मैंने आपको चाय बनाना सिखा दिया, एंड थैंक यू गाइज आपने इसे लास्ट एंड तक वीडियो देखा, अब आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ, और प्लीज़ ये पार्ट भी मिस मत करिएगा। तो गाइज आप मैंने आपको इतनी अच्छी चाय बनाना सिखा दी, तो प्लीज़ गाइज इस चैनल को आप कर दीजिएगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज क्लिक द बेल आइकन। बाय गाइज।